मुंब्रा शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आए दिन मुंब्रा शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम होते रहती है। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या ट्रैफिक जाम की होती है कि वो चाहे बस हो या फिर ऑटो रिक्शा वाले हों या फिर अन्य कोई गाड़ी कार वाले हों, ये लोग कहीं भी अपनी अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ा कर देते हैं। खासतौर पर बस वाले भी, जो प्राइवेट बस है या फिर सरकारी बसें हैं जो चलती हैं, वो बीच सड़क पर ही खड़ा करके उसमें से पैसेंजर उतारते रहते हैं। इसी तरह से दारुल फला मस्जिद के सामने भी एक प्राइवेट बस जो है वो बीच रोड पर खड़ा करके उसमें से पैसेंजर उतार रहा था। इस दौरान काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है बन गई। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुंब्रा शहर में ट्रैफिक कांस्टेबल आपको कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। रात के समय भी ट्रैफिक जाम रहती है, दोपहर में स्कूल जब छूटते हैं उस वक्त भी ट्रैफिक जाम रहती है, लेकिन आपको मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर कौसा तक, शिमला पार्क तक, आपको कहीं भी ट्रैफिक कांस्टेबल एक भी जगह आपको ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि ट्रैफिक विभाग कार्यालय के सामने आपको 5 से 6 कांस्टेबल फोटो खींचकर चालान करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन और अन्य जगह ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए वो कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे। और आज रात के समय में करीब दारुल फला मस्जिद के पास जो है एक प्राइवेट बस जो है वो बीच सड़क पर खड़ी हो गई और उसमें से पैसेंजर उतारने लगे, काफ़ी इससे ट्रैफिक जाम हो गई, लोग परेशान होने लगे। एक जो है शहर के जागरूक नागरिक ने एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजा है, आपको दिखा दूँ। ये बस रोकने की जगह है तेरे को, हाँ स्टैंड उधर है तो साइड में लेगा या बीच रोड पर रुकाएगा तू? और वहां पे कट मार रहा पीछे कौसा में, कहीं भी रोक देते क्या तुम लोग बस? कहीं भी बीच में रुकाएगा बस तू इधर? अरे मेंटल, तुम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस कौन दिया बे? जरा ये चले।